Actually, these are mics, you know, so whatever we are talking, it's anyone going to get recorded. So let's not tell them what we are really laughing about. Yes. Okay. अरे वाह ओके थैंक यू सब आपका हाँ कविता का इंतजार तो 12 मुल्क के केक कटिंग पार्टीज में हो रहा है लेकिन ये बहुत खराब डायलॉग बोला मैंने एनी मोर बट गोपी जी का बर्थडे है तो अब ऑफकोर्स मेरा आना तो जरूरी है और हर साल हम लोग सेट पे केक काटते थे आज गोपी जी ने क्योंकि शो अब नहीं रहा तो अब शानदार पार्टी गोपी जी ने दी है वेरी नाइस गोपी जी थैंक यू एनी रिमेंबरेंस ऑफ द शो एनी इट्स अ वर्ल्ड ऑफ यू नो मेमोरीज विथ हिम इट्स 9 इयर्स के एक साथ को आप एनी रिमेंबरेंस नहीं कह सकते जिंदगी आई थिंक मरते वक्त भी मुझे कुछ ना कुछ किस्से कहानियां याद ही आएंगे FIR के और हर साल यूजली उनके हम सेट पे ही बनाते हैं बर्थडे बट आई एम सो ग्लैड दैट इज He's kept this wonderful party and everyone's going to have a good time. देखिए गोपी जी ये बताएंगी सारा नहीं नहीं मुझे नहीं पता देखिए गोपी जी का जैसा कैरेक्टर था शो में बहुत ही लड़की खूबसूरत लड़की को देखकर दिल उनका मचल जाता था तो इसलिए मैं अपनी दोस्त को आज साथ में लेके आई कि एक बड़ी सुंदर लड़की को गोपी जी के बर्थडे पार्टी में ले जाती हूँ तो आई थिंक उनकी जो उम्र है वो कम हो जाएगी सो इसको देख के उनकी उम्र और आई थिंक हाफ कम हो गई है सो बिल्कुल हाय बेबी कुछ आ नहीं रहा है एक्चुअली आई एम ड्रैगिंग मी इनटू या देखिए फिलहाल तो हम लोग अपनी जिंदगी को इंजॉय कर रहे हैं इस हॉलीडे को बाकी अलग अलग काम कर रहे हैं मैंने भाली में बहुत सारी डांसिंग की तो बड़ी नई नई चीजें हम लोग कर रहे हैं ऑफकोर्स FIR एक बहुत ही खूबसूरत सफर जो हम सब ने इंजॉय किया एक अमेजिंग जर्नी हर एक एक्टर इतना भाग्यशाली नहीं होता है कि एक इतना मजेदार प्रोजेक्ट एक लंबे समय तक करे एक कम्फर्ट हो और कमाल के यू नो कैरेक्टर्स जो मैं अलग अलग प्ले करती थी इट वॉज वेरी फुलफिलिंग सो आई एम वेरी सेशिएटेड काफी सेटिस्फाइड हूँ मैं उस शो से मुझे उसे दोबारा season 2 करने की भूख नहीं है तो जब भूख लगेगी देन वी विल आंसर द हंगर यार ये बहुत इजी लाइन थी तो बिना पढ़े भी बोल सकता था इनके खिलाफ कई FIR हैं वैसे लॉज हाँ दो तीन चल रहे हैं केस इनके ऊपर कहाँ है ये एक्सक्यूज मी ये इस मासूम चेहरे के पीछे जो आदमी है जितने कांड इन्होंने किए हैं अरे हेलो ये देखा यार वो पूछ रहे हैं FIR कितनी लॉन्च करोगे आप इनके बर्थडे देखो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका मैं तो मजाक कर रही थी लेकिन कितना पपल गए गोपी जी कविता आपने जैसे कि कहा कि बहुत सारे मेमोरेबल लेकिन गोपी जी की जो डायलॉग है वेल जो डायलॉग है आपकी उनसे अगर सुनना चाहिए क्यों 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 ऐसा गोपी जी का भाई जिसका काम उसको साझे तुम बोलेंगे मेरा डायलॉग हाँ यही बोलेंगे गोपी जी बोलेंगे एक अच्छा सा डायलॉग देखिए सुंदर लड़कियां आई हैं आपके पार्टी में कुछ हमारे लिए बोलिए आप चलिए मैंने बोला कि उनकी वजह से आपकी एज कम हो जाएगी हो गई उनको देख के यू माइट वही है जो बता चुका हूं पहले नहीं है इंटरनेशनल टीवी आई विल किल यू बताइए ना सर डायलॉग कोई डायलॉग बोलिए ना अपना अच्छा सा वेल आप लोगों को देख के लगा मुझे बड़ा अच्छा हिस्सा हसीना अगर मिसी रोटी है मैं हूं पराठा लच्छा हिस्सा कैरी ऑन वेरी नाइस क्या बात है आइए झलक की देन है तो मैं ऐसी मेरे को कई चोटें लगी हैं तो मैं वही सोच रही थी आज की मैं क्या पहनूं जिससे चोटें छुपे काफी मैंने छुपा ली हैं बट कुछ तो दिखाना भी चाहिए ना यार कि लगती थी मेहनत का काम है खेलने का आसान काम नहीं है ये एक बहुत सुंदर लड़की है यही इनका इंट्रोडक्शन है इससे ज्यादा ये बताएंगी अपने बारे में इंट्रोड्यूस योरसेल्फ नहीं ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है He knows, he just wants Actually, to... my family name, my home name is Zahra. My name is Sasha Aga. I'm Salma Aga's daughter. मेरा birth name, मेरा family name, मेरे जितने भी
चाहने वाले हैं मेरे क्लोज जितने भी सर्कल के लोग हैं मुझे ज़ारा बुलाते हैं, सो शी इज़ वन ऑफ देम, सो दैट्स व्हाई शी इज़ कॉलिंग मी ज़ारा। और भी इनके कई नाम हैं जो जिन्हें जिनसे मैं इन्हें बुलाती हूँ, वो मैं अभी सबके सामने नहीं बोल। नॉट अ गुड आइडिया। डिज्नी की एक फिल्म है, आई एम नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट इट, बट यू विल गेट एन अनाउंसमेंट वेरी सून। केरला में इस वक्त दे किलिंग स्ट्रे डॉग्स विच आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट। हाई कोर्ट ने सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया हुआ है दैट इट्स नॉट अलाउड, यू नॉट सपोज टू किल स्ट्रे डॉग्स, बट फिर भी ऐसा किया जा रहा है। आई थिंक वी ऑल शुड सपोर्ट दिस कॉज, नहीं ऐसा करना चाहिए बिकॉज इट्स अ वेरी क्रूअल एक्ट एंड इट्स जस्ट नॉट राइट। जरूर जरूर हम मिलके जरूर एफ आई आर दर्ज करेंगे, इन्होंने की है मेरे लिए एफ आई आर दर्ज। थैंक यू। शी इज गुड, एवरीथिंग इज ग्रेट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। वी नीड टू ईट समथिंग, एंजॉय द पार्टी। यू गाइस आल्सो ईट ड्रिंक हैव फन। गुड इवनिंग थैंक यू। ऑब्वियसली गोपी जी के लिए आना ही था मुझे वैसे, और मैं पर्सनली गोपी जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, और वो अच्छे एक्टर से ज़्यादा बहुत अच्छे इंसान है। वेरी वेरी हम्बल, वेरी नाइस पर्सन ही। मैंने काम नहीं किया है, काश मैं उनके साथ कभी काम करूँ। काम नहीं किया है लेकिन हम मिलते रहते हैं बिकॉज हम लोग जो शूट कर रहे हैं वो FIR की टीम ही है, मिस्टर शशांक बाली डायरेक्टर और राइटर मनोज संतोषी और काफ़ी सारे आर्टिस्ट वहीं से हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि गोपी जी हमारे सीरियल में आए और हंगामा मचा दें। हाँ, मैं FIR मतलब देखती थी हर एक किरदार के लिए, नो डाउट कविता के लिए देखती थी, और मंजू जी है और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जैसे गोपी जी है, हमारे चिड़ियाघर के सेट पे उनकी एक्चुअली नकल करते थे। व्हाट इज़ द टाइम इज़ द, व्हाट इज़ द, व्हेन वी आर गोइंग होम इज़ द, और ऐसे ही चीज़ें करते थे बहुत सारी। मुझे नहीं पता, 25, 26 नहीं, मुझे सीरियसली नहीं पता, मुझे उनको पूछना पड़ेगा अभी कि आप कितने साल के हुए हो। थैंक यू एक्चुअली मैं क्या कहूँ, मैंने जो भी शो किया है बहुत अच्छा चला है, लेकिन हाँ ये मेरा अभी तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि ये लैंग्वेज अलग है और बहुत सारी चीज़ें अलग हैं, कॉमेडी है और कॉमेडी एक्चुअली करना बहुत डिफ़िकल्ट है, लोगों को हंसाना आज के डेट में बहुत मुश्किल है, और वो अगर हम कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका सारा क्रेडिट जाएगा हमारे डायरेक्टर शशांक बाली और राइटर मनोज संतोषी, और बस जो स्टोरी राइटर है उनको जाएगा, और बाकी तो टीम वर्क, इट्स कॉल्ड टीम वर्क, तो सही पकड़े हैं। थैंक यू।